अरे कमाल है, ये घर तो शादी वाला लग ही नहीं रहा। ना कोई सजावट है, ना कोई नाच गाना है। हम तो हमारे ससुराल से दौड़े दौड़े चले आए ये सोचकर कि शादी है शादी है, और यहाँ आकर देखो तो यहाँ आकर तो सब कुछ सुना साना सा है। देखो ऐसे नहीं चलेगा। अरे नाच गाना हो, बन्ना बन्नी गाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, तब तो लगेगा कि ये शादी वाला घर है। और हाँ, हमें कैसे लगेगा कि हम ननंद बनने जा रहे हैं। और हाँ चाची, इस बार आप सस्ते में नहीं छूटने वाली है। हमें बनारसी साड़ी चाहिए, वो भी एकदम असली जरी वाली। हाँ हाँ हाँ, अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। आखिर तुम्हारे भाई की शादी जो है, इसलिए जो चाहिए वो मांग लेना। क्यों जी, बहन का तो पहला हक बनता है ना। गोपाल, सब्जी देना। अरे रचना, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? देखो जो कुछ ऐटना है ना, सब कुछ अभी ऐट लो चाची से, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चलो बेटा, चलो थोड़ा सा खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया ना। मौसी जी, मुझे भूख नहीं है। छोटी, कब से भूखी बैठी हो और कह रहे हो भूख नहीं। चलो खाओ। सच में मौसी जी, बिल्कुल भूख नहीं है। ठीक है, दोनों ही भूखे रहेंगे। क्या मतलब, क्या आपने भी कुछ नहीं खाया? ये क्या बात हुई मौसी जी, मुझे भूख नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी भूखी रहेंगी। चलिए आ कीजिए। नहीं, पहले तुम खाओ। अच्छा हुआ तुमने कुछ खा लिया बेटा। मन का कष्ट, शरीर क्यों भूखे। हम जानते तुम्हें बहुत चोट पहुंची, तो शायद जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ देती रहे। मैं सिर्फ दुख इस बात का है कि जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष तो हमारे नालायक बेटे का है बेटा। उसकी बदतमीजी के लिए, उसकी गलती के लिए हम तुमसे माफी मांगते। नहीं नहीं अंकल, आप क्यों? नहीं बेटा, हम वाकई शर्मिंदा हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम सीमा से जाकर क्या कहें, उसे तो अपनी और मयंक की गलती का कोई एहसास नहीं। भगवान ने अगर उसे बेटी दी होती तो वो तुम्हारा दर्द समझती, रिश्ते तोड़ने के बजाय जोड़ती। ऐसा मत कहिए अंकल, जब जिससे रिश्ता जोड़ा था उसी ने साथ नहीं दिया तो फिर हम दूसरों को क्या दोष दें। साथ नहीं दिया तो क्या हुआ बेटा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम हमारी बेटी थी और हमेशा रहोगी। क्या हुआ ढोलू, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मयंक भैया, आप सब चारू दीदी से शादी बिल्कुल भी मत करिएगा। आप ना गुंजन दीदी से ही शादी करिएगा, वो एकदम अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन मैं उससे अच्छा नहीं लगता डोलू। नहीं नहीं मयंक भैया, आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो। देखिए ना, आपकी वजह से वो कब से भूखी हैं और रो रही हैं। तुम नहीं समझोगे। गुंजन दीदी के बारे में हम सब समझते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं मयंक भैया, इसलिए वो इतना उदास है। बहुत देर हो गई डोलू, जाओ जाके सोचो। हम कल तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है? लेकिन मयंक भैया, आप प्लीज हमारी बात मानिए ना, आप गुंजन दीदी से ही शादी करिएगा। डोलू जाओ जाके सोचो। सोचो। अरे चारू भाभी आई है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। अंदर अंदर। हाँ, नमस्ते ताऊ जी। वो क्या है ना भाई साहब, चारू का आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर इसने सोचा कि जरा मयंक का एक बार कमरा देख ले ताकि उसे अपने तरह से सजा सके। हमारे कहने का मतलब है कि बात के लिए। इतनी भी क्या जल्दी? एक बार घर में आ जाएगी तभी तो कर सकती है ना। खैर, आइए बेटे। हाँ, आइए ना। प्रणाम भाभी जी, आइए ना, बैठिए। देखिए ना, आप चारू की बड़ी सासू मां हैं, हम सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेकर आए हैं। शगुन के तौर पर। माफ कीजिए, आप सब बैठिए, हमें बहुत जरूरी काम है, हम अभी आए। लेकिन जरा जल्दी आइएगा, हमें आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। भाई साहब, हम दरअसल इसलिए आए हैं कि जरा पूछ ले कि सब कुछ कैसा होगा, आपको कैसी शादी चाहिए। आपने तो हमारे मुंह की बात छीनी, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे। तो बोलिए, हमारे लिए क्या हुक्म है? सबसे पहली बात भाई साहब, इस शादी में दिन बहुत कम है, इसलिए बेहतर यह होगा कि हम बड़े ही साधारण तरीके से शादी को करें, बिना किसी तामझाम के। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, हमारी तो एक ही बेटी है और इसके बहुत सारे अरमान भी हैं। देखिए भाई साहब, शादी तो धूमधाम से ही होगी, और वैसे भी हमारी तो भाई साहब आधी से ज्यादा तैयारियां भी हो चुकी हैं, हमने गहने वहने सब ले लिया है। अब आप ही कुछ बोलिए ना। हाँ हाँ भाई साहब, हमने तो शादी के लिए हॉल भी बुक कर लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।